Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is my first video on YouTube. The sole purpose of creating this channel is to provide medical and nursing knowledge from basic to the advanced level. I will use both English and Hindi language for easy understanding of the concepts. I will start with the fundamentals of nursing regarding how to assess a patient and how to examine him or her. The topic will be covered in various parts. In this video, I will discuss the basics of history collection and the physical examination. So let's start. So in this video, I will discuss types of health and physical assessment, the environment which is needed for the patient, health history collection, mental status examination, techniques of physical examination, and the instrument used during the physical examination. So first is types of health and physical assessment. There are four types of health and physical assessment: complete, focused, follow-up or episodic, and last emergency assessment. Complete का मतलब क्या होता है कि इसमें हम patient का health patient का history collection और physical examination complete करेंगे. इसमें हर चीज़ इंक्लूड करेंगे, इंक्लूडिंग फैमिली हिस्ट्री, इंक्लूडिंग इट्स लाइक्स डिसलाइक्स पर्सनल हिस्ट्री, सब कुछ इंक्लूड करेंगे. और फिजिकल एग्जामिनेशन भी हेड टू टो एग्जामिनेशन होगा पूरा. ये बेसिकली तब होता है जब पेशेंट वॉलेंट्रली हॉस्पिटल में आता है जस्ट फॉर अ जनरल चेकअप. आप लोग देखते होंगे हॉस्पिटल्स में और आजकल प्राइवेट लैब्स में ये टेस्ट के सिस्टम्स होते हैं, इवन वो स्कीम्स लगी होती हैं फॉर 20,000 रुपीज़, 40,000 रुपीज़, जिसमें कंप्लीट हेड टू टो एग्जामिनेशन होता है पेशेंट का, इंक्लूडिंग ब्लड टेस्ट एंड MRI CT. तो कंप्लीट हेल्थ असेसमेंट ज़्यादातर वॉलंटरी बेस पे ही होता है. सेकेंड इज फोकस्ड हेल्थ असेसमेंट. फोकस्ड हेल्थ असेसमेंट जो होता है ये शॉर्ट टर्म पेशेंट की प्रॉब्लम पर फोकस करता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ पेन इन एब्डोमेन, तो इस पर हम फोकस करेंगे कि पेन जो है उसका ऑनसेट क्या है, मतलब कब स्टार्ट हुआ, ड्यूरेशन क्या है, कब से चल रहा है, कितना लंबा कितनी देर हो गई पेन को, कितना रेडिएट कर रहा है, कहीं और रेडिएट कर रहा नहीं कर रहा, कितना सीवियर है पेन. लाइक फॉर एग्जांपल, पेन की सीवियरिटी हम नोटिस करते हैं पेन रेटिंग स्केल से. लाइक अ पेशेंट में कंप्लेन डेट ही इज फीलिंग 8/10 पेन, तो ये वर्स्ट पेन है. तो इसलिए हम पेशेंट को बोलते हैं कि रेट योर पेन ऑन 0 to 10 लेवल, वेयर 0 मीन्स नो पेन एंड 10 मीन्स वर्स्ट पेन एवर. नेक्स्ट इज फॉलो अप और एपिसोडिक हेल्थ असेसमेंट. इसमें क्या होता है, इसमें हमने जो पेशेंट का जो प्रॉब्लम थी उसमें जो हमने इंटरवेंशन किए, चाहे वो मेडिकल इंटरवेंशन हो चाहे वो नर्सिंग इंटरवेंशन हो, हमें इवेल्यूएट करना है कि वो इंटरवेंशन कितने सक्सेसफुल रहे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पेशेंट पेन का था और मैंने उसमें इंटरवेंशन किए लाइक हॉट एंड कोल्ड थेरेपी या मसाज और या फिर मेडिसिन भी दे दी लाइक वोरॉल इंजेक्शन, उसके बाद आई हैव टू चेक के पेशेंट आफ्टर अराउंड 30 मिनट्स के पेशेंट का कुछ कैसा हुआ, इवेल्यूएशन जो है वो पॉजिटिव रहा या नहीं. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, पेशेंट बाद में बता सकता है आफ्टर 30 मिनट्स that my pain has reduced from 8 to 3. तो ये पॉजिटिव वैल्यू, मतलब पॉजिटिव वो था जो पेशेंट ने फीडबैक दिया कि मेरा इंटरवेंशन करने से उसका पेन रिड्यूस हुआ है. ओके, एंड द फोर्थ वन इज एमरजेंसी हेल्थ असेसमेंट. तो एमरजेंसी हेल्थ असेसमेंट जो होता है इसमें रैपिड कलेक्शन होता है डेटा का ड्यूरिंग द लाइफ सेविंग मेजर. इसमें रैपिडली हम कलेक्ट करते हैं डेटा, तो इसमें हम फालतू चीज़ में पूछते कि फैमिली हिस्ट्री बताओ या फिर ये सब, हम डायरेक्टली जो उस समय पेशेंट को प्रॉब्लम फील हो रही है हम कोशिश करते हैं उससे उसको आराम मिले. फॉर एग्जांपल, अ पेशेंट कम्स टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद चेस्ट पेन एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, तो इसमें हम डायरेक्टली पेशेंट से एक्स्ट्रा चीज़ें पूछ सकते हैं जो वाजिब है. लाइक फॉर एग्जांपल के इज़ द पेन रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म और जॉ, तो ये सब पूछ सकते हैं. उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि माइट बी द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एंजाइना एंड द ECG विल रिवील MI और नॉट, देन वी विल
डूइंग प्रिवेंशन। तो इमरजेंसी हेल्थ असेसमेंट में हम रैपिडली कलेक्ट करते हैं डेटा ताकि हम लाइफ सेविंग मेजर में पेशेंट को की लाइफ सेव कर सकें। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट। फर्स्ट वॉज टाइप्स ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल असेसमेंट एंड द नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के लिए फर्स्ट इज टू मेंटेन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद द पेशेंट एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर। सेकेंड, सिलेक्ट अ नॉइज फ्री रूम। थर्ड, एंश्योर प्राइवेसी। प्राइवेसी क्यों मेंटेन करनी है? ताकि क्लाइंट जो है वो कंफर्टेबल फील करे। फोर्थ, टू मेंटेन एन एप्रोप्रिएट सोशल डिस्टेंस विच इज अराउंड 1.5 to 3 meters। देन यूज ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मतलब है जिसमें पेशेंट इज एबल टू रिस्पॉन्ड इलेबोरेटली। पेशेंट जो है वो इलेबोरेट कर सके, आंसर बोल सके। हमें उससे ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने जिसका आंसर सिर्फ हाँ या ना में हो। हमें उससे क्वेश्चंस ऐसे पूछने जिसमें वो इलेबोरेट करके अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर सके, कंसर्न को एक्सप्लेन कर सके। एंड सिक्स्थ इज कंसीडर द नीड ऑफ एन इंटरप्रिटेटर। इसमें क्या होता है, अब पेशेंट माइट बी फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड और मे बी फ्रॉम एनी अदर कंट्री वेयर द लैंग्वेज इज नॉट हिंदी और इंग्लिश विच आई नो। सो वी नीड अ इंटरप्रिटेटर इन दैट केस विच वी विल आस्क फ्रॉम द हॉस्पिटल। ओके। नाउ आई विल टेल अबाउट हाउ टू कलेक्ट हिस्ट्री कलेक्शन। सो फर्स्ट इज वी हैव टू इंस्पेक्ट, वी हैव टू सी। हिस्ट्री कलेक्शन का फर्स्ट पॉइंट है हमें क्या देखना है पेशेंट में। जैसे ही पेशेंट हमारे सामने आएगा, वी हैव टू सी द बॉडी फीचर, मूवमेंट्स, पोस्चर, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड स्पीच। तो बॉडी फीचर क्या है? बॉडी फीचर 3 types के होते हैं, एक्टोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ एंड एंडोमॉर्फ, एज यू कैन सी इन द फिगर। एक्टोमॉर्फ जैसे हम देख सकते हैं इज वेरी थिन, मीजोमॉर्फ इज हेल्दी, वाइल एंडोमॉर्फ इज ओवरवेट। सो वो पेशेंट की को देखकर हमें लिखना होगा, नोट डाउन करना होगा दैट अ पेशेंट हैज एन एक्टोमॉर्फ बॉडी फीचर और अ मीजोमॉर्फ बॉडी फीचर और अ एंडोमॉर्फ बॉडी फीचर। नेक्स्ट इज मूवमेंट्स। मूवमेंट्स कैन बी एनी जिटरी मूवमेंट्स इन द लिम्स और द एक्सट्रीमिटी। कोई भी मूवमेंट हो सकती है। अगर हम नोटिस करें कि जो पार्किंसन डिजीज होती है विच आई विल टीच इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, उसमें क्या होता है, जो पेशेंट के इंडेक्स फिंगर और थंब होता है वो बार बार मूव करती रहती है। तो डैट इज़ एन एबनॉर्मल मूवमेंट बिकॉज ऑफ द उसकी डोपामिन की कमी होती है इन पार्किंसन डिजीज। बिकॉज ऑफ डैट उसकी हैंड मूवमेंट रहती है। तो वी हैव टू ऑल्सो नोटिस सम मूवमेंट्स विच वी कैन सी। नेक्स्ट इज द पोस्चर। वी हैव टू सी द पोस्चर ऑफ द पेशेंट। पोस्चर कैन बी ऑफ 3 types विच यू कैन सी इन द सेकेंड फिगर, स्कोलियोसिस, काइफोसिस और लॉर्डोसिस। स्कोलियोसिस में क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसकी स्पाइन जो होती है थोड़ी कर्व हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, एज यू कैन सी इन द फिगर, एक साइड की तरफ इधर राइट और लेफ्ट। वाइल काइफोसिस क्या होता है, जैसा हम सबको बचपन में बोलते हैं कि झुक कर मत बैठा करो वरना कुब निकल आएगी, और वो कुब जो होती है दैट इज काइफोसिस, एज यू कैन सी इन द फिगर। एंड लॉर्डोसिस क्या होता है, जिसमें जो लंबर वर्टिब्रा होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है, दैट इज लॉर्डोसिस, एज यू कैन सी इन द फिगर। और लॉर्डोसिस जो होता है वो मोस्टली प्रेगनेंसी में होता है, प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। हमें पता होना चाहिए पेशेंट जो है हमारे सामने आया है वो खुद आया है या उसे कोई लेकर आया है, लाइक वो कितना कॉन्शियस है पेशेंट। क्योंकि पेशेंट किसी भी कंडीशन में हो सकता है, मे बी उसको ट्रॉमा हो या वो डायरेक्टली आ रहा हो। अगर डायरेक्टली खुद आ रहा है तो ठीक है, ही इज़ कॉन्शियस, लेकिन अगर कोई लेके आ रहा है साथ में, वो डिजीनेस फील कर रहा है पेशेंट, तो दैट मीन्स के पेशेंट की कॉन्शियसनेस में प्रॉब्लम है। कॉन्शियसनेस वैसे हम चेक करते हैं विद अ GCS स्केल, ग्लासगो कोमा स्केल।
तो ये जीसीएस स्केल के बारे में मैं इलेबोरेट करके समझाऊंगा इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग लेक्चर्स। सो नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनल स्टेटस। वी हैव टू चेक कि पेशेंट जो है वो ओवर नरिश्ड है या अंडर नरिश्ड है, बिकॉज बोथ आर द टाइप ऑफ मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन मीन्स ईदर ओवर नरिश्ड और अंडर नरिश्ड। एंड लास्ट इज स्पीच। वी हैव टू सी दैट द पेशेंट इज द पेशेंट एबल टू स्पीक प्रॉपरली। एनी स्लर्ड स्पीच कैन बी अ साइन ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन अटैक। सो वी हैव टू ऑल्सो लुक एट द स्पीच ऑफ द पेशेंट। इन हिस्ट्री कलेक्शन द सेकेंड पॉइंट इज चीफ कंप्लेन्स। द पेशेंट विल कंप्लेन कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वी हैव टू नोट डाउन दैट चीफ कंप्लेन्स इन क्लाइंट्स ओन वर्ड्स। जो क्लाइंट ने बोला है हमें उसी के वर्ड्स में लिखना है, हमें अपनी तरफ से अंदाज़ा नहीं लगाना कि ये हो सकता है या फिर वो, तो मैं ये लिख देता हूँ। तो जो पेशेंट ने बोला है हमें वही लिखना है। थर्ड इज़ फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री इज़ इसमें क्या है, इसमें हम हेल्थ स्टेटस चेक करते हैं पेशेंट के डायरेक्ट ब्लड रिलेटिव का और इसके स्पाउस का। ओके, डायरेक्ट ब्लड रिलेटिव और पेशेंट का स्पाउस जो है उसमें हो सकता है मे बी कोई जेनेटिक प्रॉब्लम जिसकी वजह से पेशेंट को हो रही हो वो प्रॉब्लम, तो इसलिए फैमिली हिस्ट्री लेना भी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज सोशल हिस्ट्री। सोशल हिस्ट्री में वी हैव टू चेक द लाइफ स्टाइल ऑफ द पेशेंट। इज द पेशेंट एडिक्टेड टू एल्कोहल और ड्रग्स, और द पेशेंट हैज टैटू ओवर द बॉडी और पियर्सिंग इन ओवर द बॉडी। एंड टू नोट द सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। इज द पेशेंट इज फॉलोइंग safe sexual practice like using contraceptive methods or not. Also the tattoos or jo body piercing hai, it can be a it can cause infection in the patient, and specially operation ke dauran we have to remove it operation se pehle. Next we will study mental status examination. Mental status examination ya fir MAC, ये हम लोग अपने नॉर्मल इंटरव्यू के दौरान असेस करते हैं। तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हमें अलग से टेस्ट नहीं करना पेशेंट का। जब भी हम पेशेंट का इंटरव्यू लेते हैं तो हमें उसके मेंटल कंडीशन का पता लग जाता है। तो इट इज़ असेस्ड वाइल ऑब्टेनिंग डेटा ड्यूरिंग द इंटरव्यू, सब्जेक्टिव डेटा ड्यूरिंग द इंटरव्यू। सो इसमें फर्स्ट आता है इनअप्रोप्रिएट अपीयरेंस एंड पुअर हाइजीन। अगर पेशेंट की हाइजीन प्रॉपर नहीं है या अपीयरेंस प्रॉपर नहीं है तो इट मे बी रीज़न कि पेशेंट को मे बी मेनिया हो या डिप्रेशन हो या ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर हो। मेनिया में क्या होता है, पेशेंट ओवर एक्टिव हो जाता है, वाइल उसका उल्टा डिप्रेशन में क्या होता है, पेशेंट अंडर एक्टिव हो जाता है। ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर में क्या होता है, पेशेंट जो है इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो डिलीरियम या डिमेंशिया। डिलीरियम में क्या होता है, पेशेंट कन्फ्यूज रहता है पूरे टाइम। और डिमेंशिया में क्या होता है, पेशेंट जो है वो भूलता रहता है हर चीज़, पेशेंट को भूलने की बीमारी हो जाती है, दैट इज़ नोन एज डिमेंशिया। तो अगर पेशेंट को मेनिया हुआ, डिप्रेशन हुआ या ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर हुआ तो उसके सिम्टम्स में ये शो होता है कि उसका अपीयरेंस प्रॉपर नहीं है या फिर हाइजीन वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं रखता अपनी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन में दो चीज़ें आती हैं, मूड एंड एफेक्ट। इसमें मूड का मतलब होता है वो पेशेंट क्या सोच रहा है। मैंने एक चीज़ पूछी उससे तो वो क्या सोच रहा है उसके बारे में। और एफेक्ट का मतलब क्या होता है कि उसने क्या शो किया अपने फेशियल एक्सप्रेशन में। अब एग्जांपल की बात करें तो मैंने एक पेशेंट से पूछा आपका हाल कैसा है, हाउ आर यू। तो पेशेंट ने मेरे को रिस्पॉन्ड किया इस तरह, अरे मैं तो बहुत दुखी हूँ यार। अब जिस तरह पेशेंट ने मुझसे बात की, मतलब अपना फेशियल एक्सप्रेशन पेशेंट का एकदम खुश था, तो उसका इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशन वो, और जो मूड था, मूड उसने जो बताया कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ, तो उसका मूड जो था वो अलग था, इफेक्ट जो था वो अलग था। सो दे बोथ आर इनकॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। इस बात को ध्यान से समझना, मूड का मतलब क्या होता है, जो पेशेंट
हमें बोलता है क्योंकि उसके दिमाग में ये बात चल रही है। लेकिन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, पेशेंट जो शो कर रहा है अपने एक्सप्रेशन से। सो मूड और इफेक्ट इस कंडीशन में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इसलिए दे आर इनकॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ओरिएंटेशन। हमें पता होना चाहिए जो पेशेंट हमारे सामने आया है वो कितना कॉन्शियस है, एंड इज ही ओरिएंटेड टू पर्सन प्लेस एंड टाइम। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि पेशेंट को पता है कि वो जिससे बात कर रहा है, लाइक मुझसे बात कर रहा है तो मैं कौन हूँ, या जिस जगह पे बैठा हुआ है, समझो हॉस्पिटल में है, तो उसे पता है कि वो कहाँ बैठा है। और टाइम का मतलब उसे टाइम पूछूंगा क्या हो रहा है, तो उसे बताना चाहिए कि अभी ये टाइम हो रहा है। चाहे वो प्रॉपरली टाइम ना बता पाए कि 3:45 होने, लेकिन उसे उतना पता होना चाहिए कि अभी दोपहर के 3 बजे हैं या दोपहर हो रही है। तो ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि पेशेंट मस्ट बी ओरिएंटेड टू पर्सन प्लेस एंड टाइम। नेक्स्ट इज अटेंशन स्पैन। अटेंशन स्पैन का मतलब है वो कितना कंसंट्रेट कर पा रहा है पेशेंट। मैं उससे बात कर रहा हूँ लेकिन उसकी कंसंट्रेशन कहीं और है, फिजिकली वहीं प्रेजेंट है लेकिन मेंटली कहीं और कुछ और सोच रहा है या कहीं और ध्यान दे रहा है। नेक्स्ट इज रीसेंट मेमोरी। रीसेंट मेमोरी का मतलब है कि मैं उससे ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगा जिससे मुझे ये पता चले कि उसको याद, उसको डिमेंशिया की प्रॉब्लम तो नहीं है, उसे याद तो रहता है कि उसने रिसेंटली क्या किया है। फॉर एग्जांपल आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया था, तो उसे इतना तो याद होना ही चाहिए कि सुबह क्या खाया था। मैंने ये नहीं पूछा कि 10 दिन पहले क्या खाया। ओके, रीसेंट मेमोरी में क्या है, आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया, आप सुबह 5 बजे कहाँ गए थे, ऐसे कुछ भी जो रीसेंट में हुआ हो। देन रिमोट मेमोरी। रिमोट मेमोरी का मतलब क्या होता है कि हम उससे पूछते हैं, पुरानी चीज़ ही पूछते हैं लेकिन वो चीज़ जो उसको याद रह सके। लाइक फॉर एग्जांपल आपने लास्ट टाइम जो वेकेशन में गए थे गोवा में, तो उसके बारे में कुछ बताओ, आप कौन से होटल में रुके थे या फिर आपने वहाँ क्या क्या किया, आप किसके साथ गए थे। तो रिमोट मेमोरी में हम पूछ सकते हैं वेकेशंस के बारे में क्योंकि वो सबको याद रहता ही है। देन जजमेंट। जजमेंट का मतलब क्या है कि पेशेंट की हमें डिसीजन मेकिंग चेक करनी है कि जो पेशेंट डिसीजन मेक करता है या डिसीजन बनाता है अपने दिमाग में, क्या वो रियलिस्टिक है या नहीं है। फॉर एग्जांपल उसको मैं बोलता हूँ कि आप जिस कमरे में है अगर उसमें आग लग जाती है तो आप क्या करोगे, तो पेशेंट को पता होना चाहिए कि वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर लेके आऊँगा और आग बुझाऊँगा, नहीं तो पानी लेके आऊँगा या लोगों को बुलाऊँगा। लेकिन पेशेंट क्या बोलता है कि मैं उसको जलने दूंगा और वहीं पर खड़ा होकर मैं भी जल जाऊंगा। अगर ऐसा कुछ बोलता है पेशेंट जो रियलिस्टिक नहीं है तो जजमेंट उसकी प्रॉपर नहीं है, तो हमें जजमेंट भी चेक करनी है। एंड लास्ट इज परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या है कि क्लाइंट जो है वो रियलिटी से अवेयर होना चाहिए। पेशेंट मस्ट बी अवेयर ऑफ द रियलिटी। जो बोलेगा पेशेंट इट मस्ट बी लॉजिकल। फॉर एग्जाम्पल मेरे पेशेंट के सामने एक रस्सी पड़ी है लेकिन वो उसको सांप समझता है। पेशेंट कंसीडर्स अ रोप एज अ स्नेक। सो उसका मतलब उसका परसेप्शन नॉर्मल नहीं है, वो परसीव नहीं कर पा रहा ढंग से किसी चीज़ को। तो परसेप्शन भी नॉर्मल होना चाहिए पेशेंट का। तो ये सब हम चेक करते हैं, ये 7-8 चीज़ें इन मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। सो नेक्स्ट आई विल टीच अबाउट फिजिकल एग्जामिनेशन टेक्निक्स। There are 4 techniques for physical examination: inspection, palpation, percussion and auscultation. तो inspection का मतलब क्या होता है कि हम अपनी vision से, अपनी आँखों से जो देखते हैं patient का, हमने कुछ भी like उसका body feature check किया या कुछ भी check किया, तो inspect का मतलब होता है अपनी आँखों से देखना और अपने nose का use करके सूंघना। हो सकता है वहाँ पर body odor अच्छा ना आ रहा हो patient का, smell अच्छी ना हो patient की, तो ये सब हमें चेक करना है इंस्पेक्शन में। और इंस्पेक्ट करके हम लोग चेक कर सकते हैं पेशेंट की का कलर कैसा है, स्किन का कलर कैसा है, या पेशेंट का स्किन का कलर पेल तो नहीं हो गया, साइनोस तो नहीं हो गया, साइनोस मतलब ब्लू कलर तो नहीं हो गया। तो इंस्पेक्शन में हम ये सब कुछ चेक करते हैं। नेक्स्ट इज पैल्पेशन। पैल्पेट का मतलब ये होता है कि हम अपने हाथों का टच का यूज़ करेंगे। वी विल यूज़ सेंस ऑफ टच। टच करके हम कोई एबनॉर्मलिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं किसी का पेशेंट का पल्स चेक कर रहा हूँ, रेडियल आर्टरी में मैंने अपना हाथ लगाया, तो दैट इज़ पैल्पेशन। मैंने पैल्पेट करके पेशेंट की पल्स चेक की। तो इसमें हम पैल्पेशन को करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले वी हैव टू रब अवर हैंड्स ताकि हैंड्स जो हैं वो वार्म हो जाएँ।
वार्म हैंड से ही टच करना है पेशेंट को. देन पैल्पेट टेंडर एरिया एट द लास्ट. ये बात आपको ध्यान रखनी है. टेंडर का मतलब क्या होता है? वो एरिया जहाँ पर पेशेंट को पे टच करने पे पेन होता है, तो उस एरिया को हमें लास्ट में पैल्पेट करना है. स्टार्ट विद लाइट पैल्पेशन, देन गो टू डीप पैल्पेशन. डीप पैल्पेशन एक्चुअली वो लोग करते हैं जो फुली ट्रेंड होते हैं. तो डीप पैल्पेशन अभी इस स्टेज पे हमें करना अलाउड नहीं होता जब तक हमने ट्रेनिंग ना ली हो. लाइट पैल्पेशन कैसे करते हैं? एज यू कैन सी इन द फिगर, वन हैंड इज ऑन द एरिया जहाँ पर हमें पैल्पेट करना है एंड सेकेंड हैंड इज बिलो द एब्डोमिन, मतलब जो सपोर्ट कर रहा है बैक को. तो लाइट पैल्पेशन कैसे करते हैं? हम एक हाथ से ही पैल्पेट कर रहे हैं, एब्डोमिन को पैल्पेट कर रहे हैं, बाकी सपोर्ट के लिए हम नीचे हाथ रखा हुआ है. डीप पैल्पेशन कैसे करते हैं? वी यूज टू हैंड्स. हम दो हैंड से पैल्पेट करेंगे और फिंगर टिप से हम चेक करेंगे कोई ऑर्गन में प्रॉब्लम तो नहीं है या मे बी ऐसा कुछ. हम पैल्पेट करके क्या टेस्ट करते हैं? वी एसेस द टेक्सचर. टेक्सचर मतलब कि जो स्किन है वो सॉफ्ट है या रफ है. टेम्परेचर कैसा है स्किन का, इज इट वार्म और नॉट. ऑर्गन की लोकेशन क्या है, ऑर्गन का साइज क्या है, वहाँ पर ऑर्गन में कोई स्वेलिंग तो नहीं आ रखी. पल्स हमें फील हो रही है कि नहीं हो रही. ऑर्गन में कोई लम्स या मांसल, हम हिंदी में गांठ कहते हैं, गांठ है कि नहीं है. एंड क्रेपिटेशन, आवाज़, क्रेपिटेशन की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही. क्रेपिटेशन जो होता है वो नॉर्मल नहीं होता है. क्रेपिटेशन मतलब क्या होता है कि जो क्रैकिंग या पॉपिंग की साउंड आती है स्किन या जॉइंट्स के अंदर से, बिकॉज सबक्यूटेनियस टिश्यू के नीचे जो होती है एयर कभी कभी इकट्ठा हो जाती है, उसकी वजह से आती है. कभी कभी सबक्यूटेनियस टिश्यू की वजह से, सॉरी, किसी कंडीशन की वजह से सबक्यूटेनियस टिश्यू के नीचे एयर इकट्ठा हो जाती है, मोस्टली CO2, जिसको जब हम पैल्पेट करते हैं उस एरिया में तो वो एयर रिलीज होती है और क्रैकिंग और पॉपिंग साउंड आती है. दैट इज नोन एज क्रेपिटेशन. ओके, थर्ड टेक्निक ऑफ ये फिजिकल एग्जामिनेशन जो है दैट इज परकशन. परकशन मीन्स टैपिंग क्लाइंट स्किन टू असेस द अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर बाई वाइब्रेशन एंड साउंड. देखो, फर्स्ट था इंस्ट्रक्शन जिसमें हम देख कर एबनॉर्मलिटी फॉलो करते हैं. सेकेंड इज पैल्पेशन जिसमें हम पैल्पेट करके टच करके. वही परकशन में क्या होता है, इसमें हम वाइब्रेशन से करते हैं, हम टैप करते हैं पेशेंट की स्किन के ऊपर, बॉडी के ऊपर, और जो वाइब्रेशन या साउंड आएंगी उससे हम एबनॉर्मलिटी फाउंड आउट करने की कोशिश करते हैं. तो जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, वहाँ पर पेशेंट ने अपना एक हाथ रखा हुआ है पेशेंट की स्किन के ऊपर. वहाँ पर एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने, सॉरी, हाथ रखा हुआ है अपना पेशेंट की स्किन के ऊपर. और जो सेकंड हैंड से जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो अपनी मिडिल फिंगर कहाँ पर टैप कर रहे हैं? अपने पहले हाथ की मिडिल फिंगर के ऊपर. और टैप दो तीन बार या चार पांच बार करते हैं हम तेज़ उसी फिंगर के ऊपर. इससे क्या होता है, हमें आवाज़ आती है. जो आवाज़ आती है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, बिकॉज बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि किस कि नॉर्मल साउंड क्या है एक एक एरिया में. तो जैसे आप देख सकते हैं टिम्पैनिक जो आवाज़ है इट इज़ मोस्टली हर्ड इन एब्डोमेन एंड पफ्ड आउट चीक्स. सेकंड, रेजोनेंट इज मोस्टली हर्ड इन नॉर्मल लंग टिश्यू. देन हाइपर रेजोनेंट इज मोस्टली हर्ड इन हाइपर इन्फ्लेटेड लंग टिश्यू. हाइपर इन्फ्लेटेड लंग टिश्यू कब होता है? जब अस्थमा या COPD होता है पेशेंट को. COPD क्या होता है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज. फिर डल साउंड, जो डल साउंड है वो कहाँ पर हम सुनते हैं? लिवर में. वाई फ्लैट इज हर्ड इन बोन. तो ये पांच टाइप की साउंड है जो हमें पता होनी चाहिए. लास्ट टेक्निक ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन इज ऑस्कल्टेशन. ऑस्कल्टेशन कुछ नहीं होता, बस हम स्टेथोस्कोप लेकर बॉडी की आवाज़ें सुनते हैं. हम क्या क्या सुन सकते हैं उसमें? लंग्स की आवाज़ सुन सकते हैं, ब्रीदिंग सुन सकते हैं पेशेंट की, हार्ट की साउंड सुन सकते हैं कि उसमें मर्मर्स प्रेजेंट तो नहीं है, और बबल साउंड सुन सकते हैं जो हम एब्डोमन के ऊपर प्लेस करके सुनते हैं. बबल साउंड से हमें पता चलता है कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है ये सब, या बबल एकदम नॉर्मल है.
अब आता है इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन। फर्स्ट इज एनोस्कोप, सेकेंड इज प्रोक्टोस्कोप एंड रेक्टोस्कोप, थर्ड इज रेक्टोस्कोप। तो एनोस्कोप, प्रोक्टोस्कोप और रेक्टोस्कोप, दीज थ्री इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज टू एग्जामिन द रेक्टम, वाइल एनोस्कोप इज ऑल्सो यूज टू एग्जामिन द एनस। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? एनोस्कोप इज अराउंड 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, प्रोक्टोस्कोप इज अराउंड 13 सेंटीमीटर्स लॉन्ग एंड द रेक्टोस्कोप इज अराउंड 25 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज वेइंग मशीन, ऑब्वियसली इट इज यूज टू मोनिटर द वेट। देन फ्लैश लाइट, इट इज यूज टू विजुलाइज बॉडी पार्ट एंड टू एग्जामिन द प्यूपिल। हम प्यूपिल चेक कर सकते हैं कि कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही है या डायलेट कर रही है वाई फ्लैश लाइट से। फीटोस्कोप, फीटोस्कोप इज यूज टू लिसन द फीटल हार्ट साउंड इन द प्रेगनेंट वुमेन। लैरेंजोस्कोप, लैरेंजोस्कोप इज यूज टू एग्जामिन द लैरिंग्स। देन नेजल स्पेक्यूलम, नेजल स्पेक्यूलम इज यूज टू एग्जामिन द नोस्ट्रिल्स। देन ऑप्थेल्मोस्कोप, ऑप्थेल्मोस्कोप इज यूज टू एग्जामिन द इंटरनल पोर्शन ऑफ द आई, वाइल ऑटोस्कोप इज यूज टू एग्जामिन द इंटरनल स्ट्रक्चर द ईयर, नॉट इंटरनल स्ट्रक्चर द ईयर। फेरेंजियल रिट्रैक्टर, फेरेंजियल रिट्रैक्टर इज यूज टू विजुलाइज द फेरिंग्स, वाइल द परकशन हैमर इज यूज टू टेस्ट रिफ्लेक्सेस एंड द डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो चार टाइप के होते हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन इन दिस चैप्टर इन माई नेक्स्ट ऑनकमिंग वीडियोज। स्फिग्मोमैनोमीटर इज यूज टू चेक द ब्लड प्रेशर, स्टेथोस्कोप इज यूज टू लिसन द इंटरनल बॉडी साउंड्स, टेप मेजर इज यूज टू चेक द हाइट एंड वेरियस सर्कमफ्रेंसेस। देयर आर वेरियस सर्कमफ्रेंसेस लाइक हेड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस, काल्फ सर्कमफ्रेंस, एब्डोमिन सर्कमफ्रेंस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टेप मेजर भी। देन थर्मोमीटर, थर्मोमीटर इज यूज टू चेक द टेम्परेचर। टंग डिप्रेशर इज यूज टू विजुलाइज द माउथ एंड द थ्रोट। ट्यूनिंग फॉक इज यूज टू एसेस द ऑडिटरी फंक्शन, वाइल द वेजाइनल स्पेकुलम इज यूज टू एग्जामिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फीमेल। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू ऑल गाइज एंजॉयड इट, आप सबको पसंद आई होगी और थोड़ी नॉलेज भी इंक्रीज हुई होगी। सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। और कोई डाउट हो आप लोगों को किसी भी पोर्शन में, किसी भी टॉपिक में, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, बता सकते हैं। थैंक यू।